वेलकम अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। जाने आज बिजनेस में होगा फायदा या नुकसान, हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा दिन, नौकरी और करियर में कैसा बीतेगा दिन, रोमांस के मामले में क्या कहते हैं आपके सितारे। ऐसे हर सवाल का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अब जानते हैं 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास सावन है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु वर्षा ऋतु है। आज प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:35 तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 8:25 तक रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग इंद्र योग शाम 11:50 तक रहेगा, इसके बाद वैद्युत योग लग जाएगा। आज चंद्रमा धनु राशि में दोपहर 1:44 तक गोचर करेंगे, इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आज चंद्रोदय शाम 8:39 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। आज राहु काल दोपहर 3:54 से शुरू शाम 5:39 तक रहेगा। आज प्रथम मंगला गौरी व्रत है। प्रिय मेष राशि, आप में से कुछ लोग कुछ एक्शन और रोमांच के मूड में हैं। मकर राशि में चंद्रमा के लिए धन्यवाद कीजिए। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप अपने खोल से बाहर आने और कुछ मौके लेने की कोशिश करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपको कुछ नया करना चाहिए। अपने जीवन के कई पहलुओं में बड़ी छलांग लगाना, जैसे कि आपका रिश्ता या पेशा, इसका एक उदाहरण हो सकता है। जो भी रास्ता आपको अच्छा लगे उसे चुनें और उस पर चलें। अपने कम्फर्ट जोन से आज कदम बाहर रखने निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होंगे। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। रोमांस के मामले में आज का दिन उतना अनुकूल नहीं है। आपकी पसंद के पार्टनर के बारे में आपके परिवार वालों की तरफ से आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कूटनीति रास्ता अपनाइए और उन्हें राजी करने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि कुछ समय बाद वो आपसे सहमत हो रहे हैं। अब बात करते हैं आपके करियर की। अगर आपका अपना व्यवसाय है तो उच्च अधिकारी आपके व्यवसाय को एक नई दिशा देंगे। अगर आज आप अपने उच्च अधिकारियों से अपनी तनख्वाह में इजाफे की बात करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात को कुछ समय के लिए टाल दें, हो सकता है वो आपको मना कर दें। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और जो भी इंटरनेशनल बाजार से जुड़े हुए आपके व्यवसाय हैं, जिसमें आप जुड़े हुए हैं अगर, तो आपके लिए आज काफ़ी फायदे भरा दिन है। मौके का फायदा ज़रूर उठाएं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। जिन्हें भी ब्लड प्रेशर मधुमेह की शिकायत है उन्हें अपनी सेहत के लिए सावधान रहना होगा। ध्यान रहे आप वही भोजन खाएं जो आपके लिए उचित है और व्यायाम भी करें। कोशिश करें कि तनाव ज़्यादा ना लें। योग और ध्यान केंद्रित करने पर अपनी अपनी जीवन शैली बनाइए कि आप मेडिटेट करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार सुबह 10:30 से दोपहर 12:45 तक का समय आपके लिए शुभ है। पीला रंग आपके लिए आज शुभ रंग है। थैंक यू। अब जान लेते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। प्रिय वृषभ राशि वालों, चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपको लाखों अलग अलग दिशाओं में चीजें खींच रही हैं। आपको पता चल सकता है कि आपको अवसर छोड़ने से बचने के लिए सभी मोर्चों पर मल्टीटास्क करने की आवश्यकता है। आराम करें और महत्व के आधार पर ही कार्य शेड्यूल करें। आज संतुलन की भावना बनाए रखना आपकी शांति और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। अगर आप अकेले हैं तो आपको आज अनेक प्रस्ताव मिल सकते हैं। वो व्यक्ति भी आज आपको प्रस्ताव भेज सकता है जिससे आप आकर्षित हैं, पर निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। अपना टाइम लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पे आपको पहुंचना चाहिए। समय की प्रतीक्षा करें और किसी के प्रति
आज गंभीर रूप से सोचने से बचें। आज आपका दिन मौज मस्ती का है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। आज अपने कार्यस्थल पर आपको ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिनसे कि आप अपने कर्मचारियों को उनके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकें। इन दिनों आपको बहुत से कामों को समय पर पूरा करना होगा जिसके लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे। आज अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग आपको पूरी तरीके से करना होगा। आज के दिन आपको काफ़ी क्रिएटिव रहना होगा और अपने साथ जो काम कर रहे हैं उन्हें इस बात का एहसास भी कराना होगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और कितनी क्रिएटिवली काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की, आपके बिजनेस की। आज विदेश से आपको आर्थिक लाभ के संकेत हैं, कहीं दूर से आसानी से पैसा मिलने के संकेत हैं। यदि आपने विदेश में निवेश किया हुआ है तो आपको आज बड़ा फायदा हो सकता है, कुछ अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, खुशखबरी मिलेगी, सितारे आपके पक्ष में हैं। अपना जो सोच है उसको आप सकारात्मक रखिए, आपको डेफिनेटली बड़े फायदे होते हुए दिख रहे हैं आज। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। प्रिय मिथुन राशि वालों, मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आप कई निराशाओं का अनुभव कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि आज आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। हालांकि याद रखें कि आज सिर्फ एक दिन है, आगे के दिन हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा मिले, तो अपना दृष्टिकोण आपको चेंज करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ की। आपका सुंदर शारीरिक रूप जो है वो बहुत ज्यादा आज लोगों को आकर्षित करेगा, पर आप उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होंगे, बल्कि आप दो कदम पीछे हटना चाहेंगे। आप ये सोचने पर विवश होंगे कि ये जो नए रिश्ते आपकी जिंदगी में आए हैं क्या आप उन्हें पाना चाहते हैं। आप निर्णय लेते वक्त असमंजस में रहेंगे आज। अब बात करते हैं आपके करियर की। आज वो दिन है जबकि आपको अपने कार्यालय में अपने से ज्यादा क्षमता वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए चुना जा सकता है। अगर आपके कर्मचारियों को आपकी ओर से प्रोत्साहन और प्रशंसा मिलेगी तो वे आपसे और अधिक वफादारी करेंगे, इसलिए आप अपने सबसे अच्छे कर्मचारियों को ये जरूर बताएं कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं। इससे आने वाले समय में आपको बहुत लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस की। यदि आपकी विदेशी संस्थाओं से साझेदारी है तो आप जो समय अभी बिता रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने व्यापार और शिक्षा के विस्तार में आप मौके आज ढूंढ सकते हैं और इन मौक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना हौसला बनाए रखें और आप पाएंगे कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर और थोड़ी भारी वजन वाले व्यक्ति हैं, अगर आपको ओबेसिटी हो रही है, मतलब अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो आज आपको कुछ परेशानी हो सकती है। ध्यान रहे ये वो खतरनाक बीमारियां हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, इसलिए इन बीमारियों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आपके लिए आज जो महत्वपूर्ण समय है वो 4 बजे से 6:30 बजे के बीच का समय है, क्योंकि ये समय आपके लिए भाग्यशाली माना गया है। आप इस समय पर अपने कार्य शेड्यूल कर सकते हैं। ग्रे रंग आपके लिए आज अच्छा दिखाई दे रहा है। थैंक यू। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए आज के दिन में क्या है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी का अनुमान है कि आज आपकी मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर रहेगी। मकर राशि में शुक्र आपको अपनी समस्याओं से निपटने के लिए प्रेरित करेगा। प्रिय कर्क राशि, आपके लिए एक जबरदस्त संपत्ति होगी और आज आपको समस्याओं में अवसर मिलेंगे। आपको आज नए संकेत मिलेंगे, जो आप प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। आज उन सभी कठिन मुद्दों से निपटने का एक सही समय होगा जिससे आप काफ़ी समय से टाल रहे थे, और अनुमान है जिन्हें आप पहले टाल रहे थे वो चीज़ें आज सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपके लिए ये पूरी जीत होगी और आपके अंदर एक जीत की भावना आएगी हर क्षेत्र में। ऐसा संकेत है कि आज आपके पास सुनहरा स्पर्श है जो आपको हर क्षेत्र में सफल होने की अनुमति देता है।
अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी जिंदगी में आज आपका प्यार कदम रखेगा। आज की अच्छी खबर आपके लिए यही है कि आपकी लंबी समय से जो खोज चल रही है, काफ़ी टाइम से आप जिसे खोज रहे हैं, वो हो सकता है आज आपको मिल जाए। लेकिन इस रिश्ते से वैसे आप ज़्यादा अपेक्षा ना रखें, क्योंकि ये संबंध मानसिक रूप से ज़्यादा गंभीर ना हो। एक बात निश्चित है कि ये लंबे समय के लिए यादगार दिन होगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। जो भी कर्मचारी ऐसी किसी फील्ड में है जहाँ पर नई नई खोज करनी होती है, नया कुछ हर दिन करना होता है, वहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियाँ आपको महसूस हो सकती हैं, लेकिन आप कार्यस्थल पर मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेंगे। अच्छा टीम वर्क और अच्छे टीम के सदस्य जो काम साथ में मिलके कर सकते हैं, वो काम आज काफ़ी अच्छी तरीके से ख़त्म होगा। तो आज के दिन आप टीम वर्क पर भरोसा कर सकते हैं। आप अपने कार्यस्थल को तकनीकी तौर से भी अच्छा बनाने की कोशिश आज कर सकते हैं। आज आपके द्वारा जल्दी लिए गए किसी निर्णय से आपको लाभ हो सकता है। अब आपके व्यवसाय और फाइनेंसेस के बारे में जान लेते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ या फिर ऐसे किसी सदस्य के साथ जो आप जहां पर हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, तो उनके साथ आज बहुत अच्छी संभावना बन रही है कि आप अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें। यदि आप किसी विदेशी व्यक्ति या विदेशी बाजार में अपना व्यापार कर रहे हैं तो आज फायदा होगा। इसके लिए थोड़ा और प्रयत्न करें और लाभ मिलेगा। आपकी कड़ी मेहनत का मीठा फल आज आपको जरूर मिलेगा। अब आपकी हेल्थ की बात करते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर और मधुमेह के शिकार हैं तो आज आप अपनी सेहत में बदलाव देखेंगे। आप डॉक्टर की सलाह मानते चले आ रहे समय पे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आज आप हल्की कसरत जरूर करें। आपके लिए जो महत्वपूर्ण समय है वो 10:30 बजे से 11:30 बजे का समय है। और आपके लिए जो रंग अच्छा है आज वो पीला रंग है, जो सौभाग्य लेकर आएगा। थैंक यू। अब देख लेते हैं सिंह राशि के लिए आज का राशिफल क्या कहता है। प्रिय सिंह राशि, जैसे ही चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश करेगा, आप खुद को थोड़ा सा खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। आज आपका दिमाग उन मुद्दों में ज़्यादा व्यस्त रहेगा जिन पर हाल ही के दिनों में अपने विशेष रूप से आपने ध्यान दिया है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इसके लिए समय निकालें और सभी प्रकार के विकल्पों पर विचार करें। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी के अनुसार अगर आपको लगता है कि किसी भी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ आपको अपने मन की बात करनी चाहिए, तो आप ऐसा अवश्य करें। इससे आपको बेहतर महसूस होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आप ऐसे दोस्त से मिल सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से खोज में थे। आपका परिचय इसके साथ थोड़े समय का ही है, इसलिए तुरंत निर्णय ना लें। फिर भी इससे परिचय बढ़ाने के लिए कुछ समय बिताएं। आप पाएंगे कि ये व्यक्ति आपके लिए उपयुक्त पार्टनर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आपके करियर की। बचे हुए काम को जल्दी से पूरा करने के लिए आपको शायद अपने जो साथ के लोग हैं उन्हें आप प्रेरित कर सकते हैं और अपनी क्षमता के मुताबिक आप अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन शायद सभी प्रोत्साहित ना हो, इसलिए उन्हीं को चुनें जो इंटरेस्टेड हैं ऐसे काम करने में कि आगे बढ़ना है, जिन्हें इंटरेस्ट है, एंथुसियाज्म है कि भाई हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ऐसे ही लोगों को आपको चुनना चाहिए। आपकी तकनीकी योग्यताओं की परीक्षा ली जा सकती है और इसके लिए आपको कोई चुनौतीपूर्ण काम दिया जाएगा। आज आप में से कुछ लोग अपनी उपलब्धि के कारण किसी इनाम की आशा रख सकते हैं। जो लोग किसी उद्योग से जुड़े हैं उनकी दूर किसी व्यक्ति या किसी विदेशी से लेन देन है, तो आज आर्थिक फायदा होगा। नए मौके मिलेंगे जो आपको आकर्षित करेंगे। ये आपके लिए सुनहरा मौका है, हाथ से ना जाने दें। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। मधुमेह से ग्रसित व्यक्तियों को आज अपनी बीमारी पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आपके लिए वो समय है जब आपको डॉक्टर की बात ज़रूर माननी पड़ेगी और आपको बीमारी का इलाज ज़रूर ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बीमारियों को जन्म ना लेने दें, इसलिए आप खुद को तनाव मुक्त रखें, काम करने की क्षमताएं बढ़ाएं और साथ ही खान पान का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण कार्य करने का समय 5 बजे से 6 बजे तक का है और जो रंग आपके लिए आज अच्छा है वो है सफ़ेद रंग। थैंक यू।
अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। आज का दिन कन्या राशि आपके लिए बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। आज के दिन में आप बहुत महत्वाकांक्षी हो सकते हैं और बहुत आशावादी हो सकते हैं। आप अपने कार्यों को करने के लिए काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे और अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। हो सकता है आपके रास्ते में आज कोई ऐसा नया इंसान आए जो आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो और आप भी उसकी तरफ आकर्षित हो। कोई दोस्त आपको बताएगा कि कोई इंसान है जो आपको पसंद करता है। एक मैसेंजर की तरह आपका दोस्त चलकर आएगा और आपको बता सकता है कि आपको कौन है जो लाइक करता है, कौन है जो आपके प्रति आकर्षण रखता है। इससे आपके रिश्ते को एक नया रूप मिल सकता है। आज का मौका हाथ से मत निकलने दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। अगर आप किसी कार्यालय में मैनेजर हैं तो आज आपको अपने कर्मचारियों को लेकर किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके कर्मचारी शायद ज़िद्दी हों और आपकी बात ना माने। आप धैर्य और सही तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश करिएगा। आप बात को आगे मत बढ़ने दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है उसे शांति से और धैर्य से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। ब्लड प्रेशर, शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए आज वो दिन है जब उनको बहुत संतुलन बनाए रखना है अपनी हेल्थ में। समस्या बढ़ती जा रही है तो अब वो दिन आ चुका है जब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए जाएं। आपके लिए जो अच्छा समय है वो है शाम को 5:15 से 6:15 का समय कोई भी कार्य करने के लिए। और वॉयलेट कलर आपके लिए आज लकी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की। आप पाएंगे कि दूर विदेश में बैठा कोई आदमी आर्थिक रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। ये फ़ायदा या तो उस नेटवर्क का नतीजा है जो आपने हाल ही में बनाया था, या ये लाभ सीधे आपके बॉस के चलते मिल रहा है आपको। थैंक यू। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। प्रिय तुला राशि, मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश आज आपको सुकून देने वाला है। आसपास की ऊर्जाएं आज आपको सपोर्ट करेंगी। आप में से कुछ लोगों को कुछ भारी सोच और बहुत अधिक योजना बनाने से विराम लेने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। ये संभावना है कि आप विशेष चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रयोग करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है कि फिलहाल ये आपके काम आएगा, इसलिए आगे बढ़ने में संकोच ना करें। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आप किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे। यहाँ आपको एक खास व्यक्ति मिल सकता है। कोई परिवार का व्यक्ति इससे आपका परिचय कराएगा। ये स्थान किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए सुरक्षित और अनुकूल रहेगा, क्योंकि वहाँ आपके परिवार वाले भी होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस की। आज आपको अपने कार्यों को करने का तरीका बदलना पड़ सकता है। ये आपके ही हित में रहेगा। अगर आप अपने अधिकारियों की बात सुनेंगे, उनको आज आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने अधिकारियों को फॉलो करके उनसे प्रेरणा लें। आपको प्रशंसा भी आज मिल सकती है। कार्यस्थल का माहौल अच्छा बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय की। आज आपको लगेगा कि आपकी संस्था आपको काम के सिलसिले में विदेश भेजना चाह रही है। हालांकि आप थोड़े हिचकिचाएंगे, लेकिन बेहिचक होके आपको जाना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लाभ के लिए होगा। विदेश में निवेश संबंधी आपका कोई भी कामकाज बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। जो काम अभी शुरू होने वाला है सब आपकी मेहनत का सही फल है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। अगर आप सांस से संबंधित परेशानी से ग्रसित हैं तो आज आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। ये परेशानी लंबे समय से चली आ रही थी। अगर आपको लक्षण आते और जाते नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको इस परेशानी से निजात मिली है तो इस नए बदलाव की खुशी मनाएं। अब आपका जो समय है महत्वपूर्ण आज के लिए वो है 3 बजे से 5:30 बजे तक का। आपके लिए जो भाग्यशाली रंग है आज वो है सफ़ेद रंग। थैंक यू। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा का गोचर आज पारिवारिक कलह का संकेत दे रहा है।
परिवार में छोटे छोटे झगड़े और विवाद हो सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं कि आप अपने शब्दों के प्रति अत्यधिक सतर्क रहें और ऐसी स्थितियों से निपटने के दौरान चतुराई से काम लें। परिवार में ये मतभेद अधिक हैं, इसलिए सावधान रहें कि उनमें शामिल ना हो। इसके अलावा यदि आप परिवार के किसी सदस्य को बुरे मूड में देखते हैं तो पीछे हटें और उनके साथ विनम्र रहें। बेकार की बातों में उलझने का दिन आज नहीं है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आप रोमांस के मामले में गलत जगह पर लड़खड़ा सकते हैं, शायद वो डायल किया गया गलत नंबर भी हो सकता है। मौज मस्ती के अलावा वहाँ कुछ गंभीरता नहीं होगी, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप अंततः आनंद नहीं ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। व्यवसायी, खास तौर से जिनका छोटा मोटा व्यवसाय है, आज शायद उन्हें अपने कर्मचारियों को लेकर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, फिर भी किसी तरह का नकारात्मक निर्णय ना लें। वो लोग जो वित्त से संबंधी काम करते हैं, उन्हें आज अपने लक्ष्यों को पाने में परेशानी होगी। यदि आपका कामकाज विदेशी बाजार से जुड़ा हुआ है तो आज आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। थोड़ा और प्रयत्न करें ताकि मुनाफा आपको और ज़्यादा हो सके। आज का दिन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। अगर आपको ब्लड शुगर जैसी समस्या है तो आज आपको ध्यान रखना होगा कि शुगर की कितनी मात्रा आप ले रहे हैं। आज के दिन आपको अपनी शुगर लेवल्स का खास ख्याल रखना है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण समय है वो दोपहर 2 बजे के बीच का समय है, 3 बजे तक, 2 से 3 के बीच का जो समय है उस समय आप अपने कार्य शेड्यूल कर सकते हैं। नारंगी रंग आपके लिए आज लकी रहने वाला है। थैंक यू। अगली राशि धनु राशि। प्रिय धनु राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आने वाले दिन के लिए एक मुश्किल संकेत है। छल से बनाई गई योजनाएं आपको लाभ नहीं देंगी, आपको सिर्फ लालच देंगी और आपको लुभाएंगी। इसलिए आज के दिन किसी भी चीज़ में छल कपट ना करें। अगर कोई भी बात अनूठी और सच्ची भी लगे तब भी दूर रहें। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं कि ऐसे अच्छे दिखने वाले अवसरों में फंसने से बचें आज, जो अमीर बनने का एक आसान तरीका लगता है, क्योंकि उन्हें भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्हें अपने सिर पर ना चढ़ने दें, कुछ ऐसा करें जिसके लिए आपको पछतावा ना हो। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आज आपको आश्चर्यजनक रूप से इंटरनेट के माध्यम से आपकी खोज का कोई पार्टनर मिल सकता है। सोशल नेटवर्किंग से आज आपको अपने लाइफ पार्टनर मिल सकता है। इसके साथ बंधन या विवाह योग पूरी संभावना है। ये रिश्ता आजीवन साथी के रूप में सफल होगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। अगर आपके माता पिता व्यवसाय में हैं तो इस व्यवसाय का हिस्सा बनने का न्योता आपको मिल सकता है, जिसके लिए आप असमंजस में रहेंगे। ये निर्णय लेने में आपको समय लगेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। विदेश से लाभ के समाचार मिलेंगे। यदि आपका विदेशी ग्राहकों से लेना देना है तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद होगा। आपका उत्पादन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ग्राहकों की मांग आप पूरी कर सकें उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आपको सर्दी गर्मी या फिर श्वास संबंधी कोई परेशानी हो। मदिरापान और शीतल पेय से दूर रहना आपके लिए अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा समय अच्छा है। आज 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। पेस्टल शेड्स आपके लिए आज लकी हैं। पेस्टल कलर में आप कुछ पहन सकते हैं आज। थैंक यू। अब बारी है मकर राशि वालों की। मकर राशि में चंद्रमा के कारण आप थोड़ा निराश और आत्मविश्वास में कमी आज महसूस कर सकते हैं। आप जीवन में कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, ये आपके सपनों के अनुरूप नहीं है। अपने सपनों को कैसे हकीकत बनाया जाए, ये आपको आज सोचना है। आप विधि पूर्वक काम कर सकते हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है आज। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। आप किसी दूर रहने वाले पार्टनर के साथ निरंतर संवाद बनाए रहेंगे आज। अड़चनों के बावजूद आपको लगेगा कि बात कहाँ जा रही है, आप
स्वाभाविक रहें और जो हो रहा है उसे देखते रहें। ऐसा संकेत नहीं है कि आपको जो है रिश्ता खत्म कर देना चाहिए या आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा आप आज धैर्य बनाए रखें, भविष्य में चीज़ें ठीक होंगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। अगर आपकी संस्था है और आप कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने कर्मचारियों को लेकर आज कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। कर्मचारियों के बीच में कुछ झगड़ा हो सकता है, लेकिन आपको इस मुद्दे पर थोड़ा सा आराम से पेश आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की और व्यापार की। यदि आपका व्यापार है तो आज यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। हालांकि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके व्यापारिक रिश्ते अच्छे बने रहें, लेकिन शायद उम्मीद के मुताबिक फ़ायदा ना हो। आपके व्यापार में जो लेन देन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आपको आज हो सकती है। वक्त का इंतज़ार करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज आपको कुछ सर्दी जैसी चीज़ों से परेशानी हो सकती है, सर्दी गर्मी हो सकती है, श्वास संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। तो आज कोशिश करें कि थोड़ा सा आप ठंडा पानी ना पिएं और अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें जो आपको ये प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। आज के दिन आपको प्रदूषण से भी परेशानी हो सकती है, तो हो सके तो आप अपने मुंह पर एक मास्क ज़रूर लगा के रखें। धूम्रपान से आज आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसे करने से आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप आराम करें ताकि बीमारी जल्द ही चली जाए। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार 10 बजे से 11:30 बजे का समय आपके लिए आज महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। चांदी दिन के लिए आपका भाग्यशाली रंग है। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, आज के दिन आपको थोड़ा सा तनाव महसूस हो सकता है। ज़्यादा संघर्ष ना करें आज के दिन, साथ ही अपने दिमाग को शांत बनाए रखने की कोशिश भी करें। सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगर आपके पास समय हो तो अपने लिए कुछ समय आज आपको बिताना चाहिए। मन की शांति के जरिए आपको शांति और सुकून मिलेगा आज। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आपके किसी नए व्यक्ति से मिलने की पूरी संभावना है, वो विदेशी हो सकता है। चाहे आप अकेले माता या पिता हैं, आपको एक ऐसा पार्टनर किसी समारोह में मिलेगा जो आपकी समस्या व भावना को समझेगा। आप जरूर जाएं और मिलें, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की। आज आपको अपने परिवार की तरफ से कोई व्यावसायिक प्रस्ताव मिल सकता है जिसके बारे में आप विचार करेंगे। शायद पहले आप इस व्यवसाय में नहीं जुड़ना चाहते थे, लेकिन अब इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी निर्णय लें, सोच समझ कर लें, क्योंकि अगर एक बार आप इस व्यवसाय में घुस गए तो फिर उसे छोड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। जो लोग आज के दिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, कुछ दर्द से गुजर रहे हैं, उनकी स्थिति आज गंभीर होने के आसार हैं। अपने खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। जो लोग व्यापार में हैं, आज कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है, साथ ही आपकी साख भी कायम होने वाली है। आप और आपकी कंपनी की अच्छी तरक्की होने वाली है। इस बदलाव का अपने काम की जगह पर सकारात्मक उपयोग कीजिए। आपके लिए जो आज महत्वपूर्ण समय है वो 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय है। आपके लिए जो रंग भाग्यशाली है वो है लैवेंडर कलर। थैंक यू। और अब बारी है आखिरी राशि मीन राशि की। प्रिय मीन राशि, मकर राशि में चंद्रमा की वजह से आप आज कुछ भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं और कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो दिल से आपका अच्छा नहीं चाहते। इसलिए आप उनकी ना बात सुनकर अपनी बात सुने, ना ही उनकी कॉपी करें, ना ही उनकी बात सुनकर आप कुछ परेशान हो। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब आपको अपने मन की आवाज़ सुनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। आज आपको लगेगा कि आपके प्रेम जीवन में आपका कोई नहीं है, फिर भी आज का दिन आपके लिए परिवर्तन ला सकता है। अपने दोस्तों के बीच या कार्यस्थल या किसी समारोह में आपकी भेंट आज ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा।
अब बात करते हैं आपके करियर की, आपकी आर्थिक स्थिति की। आज आप किसी जानकार द्वारा दिए गए व्यवसायिक प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे। आप इस बात से कुछ परेशान रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इससे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। आज समय निकाल कर अपने अवसरों के बारे में अच्छे से सोच लें, वैसे ये व्यवसाय आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक लेन देन करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन लेन देन में कोई बड़ा जोखिम उठाने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कोई भी बड़ा रिस्क आज मत लीजिएगा। आज झटपट लाभ उठाने की बजाय धीरे धीरे लेकिन निश्चित होने वाले लाभ का विकल्प चुनिए और इसी आधार पर कोई बढ़िया निवेश चुनिए। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। आज आप डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सेहत या वजन से संबंधी सलाह लेंगे। ध्यान रहे, जो भी तरीका आप अपनाएं सही तरह से अपनाएं, क्योंकि आप ये लंबे समय के लिए ले रहे हैं। याद रहे, स्वास्थ्य ही सब कुछ है, इसलिए जो भी खर्चा आप कर रहे हैं ये सोच कर करें कि ये भविष्य में आपके काम ही आएगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार सौभाग्य प्राप्त करने के लिए नारंगी रंग के वस्त्र आज पहने। शाम 4 से 6 के बीच का समय बहुत ही भाग्यशाली है। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या फिर लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।